घनश्याम नायक, पहली बार ये नाम सुनेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ सोच विचार में पड़ जाएं, लेकिन अगर आपके सामने नाम आए नट्टू काका तो आपको याद आएगी तारक मेहता उल्टा चश्मा के उस शख्सियत की जो आपको किसी भी परिस्थितियों में हंसाने का मादा रखती है। आज वे खंडवा आए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि खंडवा में उनके अनुभव क्या रहे। आपका स्वागत है खंडवा में और पत्रिका के साथ। अब खंडवा के बारे में क्या कहेंगे? खंडवा मुझे अच्छा लगा, बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि खंडवा एक गांव है एमपी में, तो आज मैं रूबरू आया और फिर मालूम पड़ा कि तो किशोर कुमार जी, अशोक कुमार जी और अनूप कुमार जी का जन्मस्थल है। खंडवा के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हुई है। किशोर कुमार तो इतने महान कलाकार थे, अशोक कुमार इतने महान कलाकार थे, ऐसे महान कलाकारों की ये भूमि है। तो मैं म्यूज़ियम भी देखने गया जहाँ उनका अग्निदाह दिया गया था, वो जगह भी मैंने देखी, तो बड़ा अच्छा लगा। बोले ऐसा महान खंडवा में ऐसे महान कलाकार पैदा हुए। मुझे यहाँ इन्वाइट किया था प्रदीप जैन साहब ने, जो अच्छे इवेंट मैनेजर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत सेवा की मेरी, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया मुझे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत ही छोटी उम्र में करियर शुरू किया था, महज 7 साल की उम्र में। हाँ, आपने 7-8 साल रुपए में और 10 रुपए में और 13 रुपए में भी काम किया। हाँ जी, हाँ तो जी। इतना जो पैशन रखा और अब जो जिस मुकाम पर हैं, तो आपने पूरे सफर को कैसे देखते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आज मुझे 75वां साल चल रहा है, मतलब 68 साल से इस लाइन में कंटिन्यूस में हूँ। मैंने कभी नौकरी नहीं की। मेरी 7 पीढ़ी पिछली कलाकार क्षेत्र में ही रही है। मेरे पिताजी रंगलाल नायक कॉमेडियन थे, मेरे दादाजी बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, उनके बड़े भाई बहुत बड़े संगीतकार थे, वाड़ीलाल शिवराम जो संगीतकार जयकिशन के गुरु थे। तो मेरी ये विरासत में ही मुझे कला मिली है। मेहसाना जिला के वडनगर तालुका के ऊंढाई गांव में मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मैंने में ना राम रखा है, तारक मेहता में नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला तो लोगों को याद हुआ कि ये ऊंढाई के हैं, जैसे किशोर कुमार खंडवा जी का नाम लेते थे, इसलिए मैं ऊंढाई के नाम से फेमस हुआ। काका, नट्टू काका बनने और उसके पहले, उसके नट्टू काका बनने से लेकर नट्टू काका के बाद का जो सफर है, उसको कितना अंतर देखते हैं आप? बहुत स्ट्रगल किया है मैंने जिंदगी में कला क्षेत्र में। पहले पैसे ही नहीं मिलते थे, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये, फिल्मों में भी मुझे पैसे ज़्यादा नहीं मिलता। खिलौना पिक्चर में मैंने पर डे 30 रुपीज़ में काम किया, 3 दिन का काम था, मुझे 90 रुपये मिले थे। कन्वेंस बर्नर सब घर का शराफत में मैंने काम किया था, तो 25 रुपये पर डे मिले, पैसे मिलते ही नहीं थे, मुश्किल से 50-100, ऐसे बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया, भाग दौड़। मुझे तो आगे बढ़ना ही था, नाटकों में किया, डबिंग किया, कन्हैयालाल जैसे आर्टिस्ट जी का, बहुत बड़े चरित्र अभिनेता थे मुगलाल मदर इंडिया में, लाला जो करते उनकी डबिंग भी उनके देहांत के बाद मैंने की थी, एक और संग्राम। फिर प्लेबैक सिंगर में भी मैंने महेंद्र कपूर, आशा पारेख, प्रीति सागर, आशा भोसले सबके साथ मैंने गाने गाए, मेरे पिताजी के साथ, महमूद के साथ, महेश कुमार, 6-7 पिक्चरों में मैंने गाने भी गाए, डबिंग आर्टिस्ट, 400 फिल्मों में मैंने डबिंग की दूसरे वॉइस की। तो भगवान की दया से हिंदी फिल्मों में मुझे काम मिलने लगा धीरे धीरे, कच्चे धागे, मगर मेरी जड़ती हुई हम दिल दे चुका सनम, उसमें मेरा अच्छा रोल था और उससे मैं एस्टैब्लिश हो गया। फिर भी इतना जमावट तो नहीं हुई मेरी, मैं बोला ये कब जमावट होगी, मगर स्ट्रगल करते 2008 में तारक मेहता का उल्टा शुरू हुआ, बस वो दौर शुरू हो गया भगवान की दया से। आज 11 साल पूरे हुए हैं, तो तारक मेहता ने हम सबको तार दिया। 11 साल में हमने पैसे भी कमाए, गाड़ियाँ, फ्लैट, FD, बच्चों के लिए कुछ जमा पाए, तो इसने मेरी लाज रख ली। हमारे निर्माता आसित मोदी वडनगर के हैं, उत्तर गुजरात के, बड़ी मेहनत मुशक्कत से वो भी तो आगे आए, और हम सब ने टीम वर्क, हमारे डायरेक्टर हर्षद जोशी, मालव राजड़ा, हमारे एडिटर, हमारे मेकअप मैन, हमारे राइटर, सबकी कड़ी मेहनत से ये सीरियल को सफलता मिली है।
सीरियल साफ सुथरी है, बिल्कुल चौकी है एकदम, और भगवान की दया से आज 12वां साल चल रहा है। तो तारक मेहता ने हमको उतार दिया, अभी कोई फिक्र नहीं है, भगवान करे। फिल्मों में भी बहुत किया, कच्चे धागे, बरसात, क्रांतिवीर, अशोक कुमार जी से लेकर अमिताभ बच्चन तक सबके साथ मैंने काम किया अलग अलग फिल्मों में। मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, हीरोइनों के साथ बड़ी बड़ी साथ मैंने काम किया, सबके साथ मैंने काम किया, दिलीप कुमार, अशोक कुमार जी वगैरह सबके साथ। जितने बड़े नाम हैं उनमें से सर हृदय आपको कौन लगा, मतलब ऐसा जो बड़ा कलाकार है और आपको लगा हो कि उनके व्यक्तित्व से आपने बहुत कुछ सीखा समझा और उनको अच्छा माना हो, ऐसा कौन कौन है वो नाम? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मुझे अशोक कुमार, बलराज सहनी, प्राण साहब, इनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ। क्या आर्टिस्ट थे वो लोग, क्या रोल किए हैं उन्होंने। आज भी मैं उनकी पुराने पिक्चर देखता हूँ, मैं नई फिल्में ज़्यादा नहीं देखता, पुरानी फिल्में कुरेद कुरेद कर मैं देखता हूँ। मुझे क्या प्राण साहब, दिलीप कुमार साहब, बलराज सहनी, अशोक कुमार जी और किशोर कुमार जी का तो जवाब नहीं, बाप रे, लाजवाब आर्टिस्ट थे। ब्लैक एंड वाइट फिल्में इतनी की है उन्होंने, क्या कॉमेडी करते थे वो, जो डांस वांस करते थे तो डांस मास्टर बता नहीं सकता ऐसे। तो ये लोगों का प्रभाव महमूद कॉमेडियन मुझ पर काफ़ी रहा है। काका, आपको उम्मीद थी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है इतना नाम करेगा और इतने समय तक लोगों की पहली पसंद बनकर रहेगा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में? नहीं, पता तो नहीं चला, एक आध साल तक तो पता ही नहीं चला। फिर बाहर लोग मुझसे फोटो गिराने लगे, ऑटोग्राफ लेने लगे, नटू काका करके चिल्लाने लगे। तो धीरे 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 आज ये हालत हो गया है कि गली गली बच्चा बच्चा पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो निकालते हैं। इतना बड़ा नाम हो गया, लोगों को नटू काका का काम ज़्यादा पसंद आया। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मुझे सफलता मिली। अब इससे आगे आगे मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, हिमालय की चोटी पर बैठे हैं। अब तो भगवान इसी में मौत भी आ जाए मेकअप के साथ, तो लास्ट इच्छा मेरी यही है कि काम करते करते ही मरूं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप काम करते करते अपना जीवन जो है त्यागे। हाँ। मैं एक हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत जल्दी हार मान जाती है, जबकि आपने एक लंबा समय स्ट्रगल किया और स्थापित होने में बहुत समय लिया। तो उन युवाओं को, ये जो हमारे युवा जो दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देता हूँ कि अगर आपकी लगन सच्ची है तो मेहनत कीजिए, डरिए मत। अमिताभ बच्चन साहब ने कितनी मेहनत की, शुरू शुरू में वो भी कितने उन्होंने पापड़ बेले तब जाकर अमिताभ बच्चन बने। किसने मेहनत नहीं की है बताइए? धीरूभाई अंबानी, आज उनके बड़े उद्योगपति में नाम है स्वर्गवासी धीरूभाई अंबानी, आज उनके बेटे मुकेश अंबानी, सबने कड़ी मेहनत की है तब जाकर पैसेदार बने हैं। तो मेहनत कीजिए। मुझे पिछली उम्र में 65 साल की उम्र में तारक मेहता मिला, तब तक मैं भी अपने एक एक रुपये के लिए मोहताज था, मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं थे, लेकिन फल मिला। तो आपको मैं यही बोलता हूँ कि मत हारिए, कड़ी मेहनत कीजिए, अवश्य मिलेगा आपको फल, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हिम्मत मत हारिए, अगर आपकी लगन सच्ची है तो एक न एक दिन आपको फल मिलेगा ही, ईश्वर आपके सामने देखेगा जी। तो ये थे हमारे साथ तारक मेहता उल्टा चश्मा के नट्टू काका, जिन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया है कि आप हौसला ना हारिए, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। खंडवा से कैमरा पर्सन रियाज सागर के साथ अमित जायसवाल।